मंजिलें नहीं मिलती करवटें बदलने से, रास्ते निकलते हैं रास्तों पे चलने से। और ये बात सच कर दिखाया बनपुर के न्यू टाउन के करीब नया बस्ती में जन्मे अशोक प्रसाद ने। अशोक के पिता छेदी प्रसाद इसको कारखाने में मुलाजमत करते थे। अशोक ने 8 नंबर बस्ती के महात्मा गांधी स्कूल में प्राथमिक तालीम हासिल की। बचपन से ही कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले अशोक 2002 में अपनी तालीमी सफर को विराम देते हुए और घर छोड़कर दिल्ली की ट्रेन में बैठ गए। लगातार 8 सालों तक स्ट्रगल करते रहे, घर घर जाकर सेल्समैन की तरह प्रोडक्ट्स बेचा करते थे। फिर खुद का बिजनेस शुरू किया गोवा में, कामयाबी भी मिली। अशोक को फिल्मों में भी काम करने का शौक था, खुद को स्क्रीन पे देखने का ख्वाब ख्वाब की तरह ही लग रहा था, पर लगातार परिश्रम से वो भी सच हुआ। शुरुआती दौर में छोटे छोटे मौके मिले, पर अब बड़े पर्दों पर भी उन्हें देखा जा रहा है। उन्होंने सिम्भा, मलंग, बंगला मूवी, विलेन, तमिल मूवी जिप्सी और बहुत सारे फिल्मों और एड में काम किया है। उनकी पत्नी सुफल और उनके दो बच्चे आयुष और तानवी हैं। आज खबर आसनसोल की खास पेशकश प्राइड ऑफ आसनसोल में हम उनके बारे में ही जानेंगे। लेडीज के सिंगार के लिए ऑल श्री हरि प्रोडक्ट्स, ऑल टाइप ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी, पर्स, बैंगल्स, गॉगल्स, वॉचेस, परफ्यूम्स, डियोस, जेंट्स ज्वेलरी, साथ में 10% डिस्काउंट ऑन ऑल ब्रांड्स ऑफ कॉस्मेटिक। तो देर किस बात की, हमारा पता है फैशन प्लाजा, 3rd फ्लोर, गैलेक्सी मॉल, आसनसोल। वीवो, ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो आज ही आए एसके इंफोकॉम में। एसके इंफोकॉम, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इंफोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना, आज ही आना एसके इंफोकॉम, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान। एसके इंफोकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, एमसी रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती धीरे धीरे तपती जा रही है और कई जानलेवा बीमारियों से लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। आज पूरा विश्व ही प्रदूषित वातावरण के कारण दिन प्रतिदिन खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें
अपनी आसनसोल को इस खतरे से बचाएं। आसनसोल नगर निगम की ओर से अनुरोध किया जा रहा है कि आप सभी दुकानदार, थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता या होकर पॉलिथीन या प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम इलाके में पॉलिथीन या प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण, भंडारण, बाहर से मंगवाना, बेचना एवं परिवहन करने पर पूर्णतः रोक है। मात्र 50 से ज्यादा माइक्रोन की प्लास्टिक व पॉलिथीन ही व्यवहार में लाएं। अपने शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने के साथ साथ अपनी सेहत का भी रखें ख्याल। सार्वजनिक स्थानों पर पान, मसाला, गुटखा, धूम्रपान व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम प्रशासन की ओर से आप सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि आसनसोल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं और अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखें। तालाब, नदी एवं नालियों में कचरा ना फेंकें। कूड़ा कचरा निर्दिष्ट कूड़ेदान में ही फेंकें। और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करें। आइए हम सब मिलकर प्रण लें। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।